टाइल पैटर्न्स। इस वीडियो में हम टाइल पैटर्न्स को पहचानना और पैटर्न्स में अलग अलग टाइल्स को पहचान कर पैटर्न्स को आगे बढ़ाना सीखेंगे। मम्मी, मैं आ गई। चाचू, आप क्या कर रहे हो? मैं इस किताब से टाइल्स लगाने की कुछ डिजाइन ढूंढ रहा हूँ। क्यों? मैं अंदर के कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहता हूँ। क्या मैं भी आपके साथ देखूं? जरूर। यह हैं फर्श पर लगाए गए कुछ टाइल्स। वाह, कितने सुंदर हैं। तुम्हें पता है टाइल्स किससे बने होते हैं? मिट्टी के। टाइल्स मिट्टी, सेरेमिक, मार्बल, कांच के बने होते हैं। अच्छा। हाँ, ये देखो। कितने सुंदर हैं ये सब। क्या हम भी कुछ ऐसा लगाएंगे? हाँ, हम भी सुंदर सुंदर टाइल्स ही लगाएंगे। यह कैसा रहेगा? ये हम आंगन में लगा सकते हैं। और ये? ये तो बहुत अच्छा है। चाचू, टाइल्स आ गए। ये देखो। मैं भी आपके साथ टाइल्स लगाऊं? जरूर। हम सबसे पहले लगाएंगे ये ग्रे रंग की टाइल, फिर उसके पास सफेद टाइल और फिर नीले रंग की टाइल। और ध्यान रहे, टाइल्स को हम इसी क्रम में लगाएंगे ताकि सारी टाइल्स एक पैटर्न में लगे। ठीक है चाचू, अब मैं लगाऊं? हाँ बिल्कुल। अरे ऐसे नहीं, यहाँ टाइल्स लगाने का क्रम है। ग्रे टाइल, उसके बाद सफेद और फिर नीले रंग की टाइल, और नीले के बाद फिर ग्रे रंग की टाइल। इसी क्रम में पूरे फर्श पर टाइल्स लगेंगी। तो यहाँ इस ग्रे टाइल के पास यह सफेद वाला टाइल लगेगा। अब ठीक है। हाँ, आओ इस फ्लोर के पैटर्न को पूरा करते हैं। चाचू, आज आप क्या करोगे? आज मैं आंगन में टाइल्स लगाऊंगा। कौन सी टाइल्स? देखो, मेरे पास यह ग्रे और नीले टाइल्स बचे हैं। मैं इनका ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है चाचू, इनको लगाने का क्या नियम होगा? तुम बताओ। हमारे पास नीली टाइल्स ज्यादा हैं। हम एक ग्रे और फिर दो नीली टाइल्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया है तुमने। चलो हम आंगन में इस पैटर्न से टाइल लगाते हैं। मैं भी आपकी मदद करूं? जरूर। ऐसे? बिल्कुल ठीक। क्या अब इस ग्रे टाइल के ऊपर हम फिर से ग्रे टाइल लगाएंगे? नहीं चाचू, यहाँ हम दो नीली टाइल लगाएंगे। ग्रे टाइल के पास हर बार दो नीले रंग के टाइल ही लगेंगे। बहुत अच्छे। अब बताओ, इस नीले टाइल के ऊपर कौन सा टाइल लगेगा? नीला टाइल चाचू। क्यों? क्योंकि हम दो नीले टाइल को साथ लगा रहे हैं। एकदम सही। तो इस नियम से हम इस नीले टाइल के ऊपर भी दो नीले टाइल्स लगाएंगे? नहीं चाचू, यह तो फिर तीन नीले टाइल हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक नीला और फिर ग्रे रंग का टाइल लगाएंगे और फिर दो नीली टाइल्स।
एकदम सही। तो अब इस जगह कौन से रंग का टाइल लगाएंगे? चाचू देखो, इस लाइन में दो नीली टाइल्स लग चुके हैं, इसलिए हम अब ग्रे टाइल लगाएंगे। वाह गौरी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। चलो अब यह टाइल्स लगाकर इस पैटर्न को पूरा करते हैं। इस वीडियो में हमने टाइल पैटर्न्स को पहचानना और पैटर्न्स में अलग अलग टाइल्स को पहचान कर पैटर्न्स को आगे बढ़ाना सीखा।